स्टूडेंट टूडे वी विल डू द एथ क्लास एस बुक नेम इज वर्ल्ड फर्स्टर ऑफ जोग्राफी रिसोर्स इन दिस रीड अबाउट द रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डिवेलपमेंट रिसोर्सिस क्या है उन रिसोर्सिस का हम उपयोग कैसे करते हैं और रिसोर्सिस का उपयोग करके विकास कैसे करते हैं इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट दिस थिंग सो लेट एस चार नेचर हैज़ बेस्टोड अपन अवर मदर अर्थ विद लार्ज वरायटी ऑफ फ्रॉक्स सोयल मिनरल्स वेजिटेशन एनिमल्स एक्सेट्रा जो नेचर है हमारी धरती पर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है एक दान है ए, किस चीज़ नेचर ने हमें जो हम हमारी धरती पर चीज़ें दी है वो क्या क्या है वायटी ऑफ रॉक्स कई प्रकार की चट्टाने सोयल मिट्टी मिनरल्स कई प्रकार प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे सोना चांदी लोहा तांबा दीज आर मिनरल्स वेजिटेशन वनस्पति कई तरह की वनस्पति एनिमल्स कई तरह के जीव जंतु मतलब ये सारी जो हैं नेचर के द्वारा हमारी धरती पर गिफ्ट हैं वी यूज दिस गिफ्ट ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर डे टू डे नीड्स हम ये चीज़ें जो नेचर के द्वारा दी गई हैं हम दैनिक जीवन की जरूरत को पूरा करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वी नीड एयर टू ब्रीथ वाटर टू ड्रिंक फूड टू ईट वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द अर्थ हम ये सारी चीज़ें धरती से ही प्राप्त करते हैं ऑल दीज थिंग्स ऑन अर्थ विच आर निशस्ट्री फोर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लानट आर नोन एज रिसोर्स इस तरह जो धरती पर जो भी चीज़ें हमारी मौजूदगी के लिए हमें जरूर हमें जरूरत है जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की जरूरत पीने के लिए पानी की जरूरत है हवा की जरूरत है भोजन की जरूरत है कपड़ों की जरूरत है चीज़ें सारी क्या है रिसोर्सिस नाउ दिस इज वन क्वेश्चन वट इज़ रिसोर्स रिसोर्स ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ विच आर निशस्त्री फोर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लानट अनोन एज रिसोर्सिस इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर एज अ रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन बींग आर एन एस एट ह्यूमन बींग्स एक इवन ह्यूमन बींग्स भी जो है एक रिसोर्स ही है कैसे हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर काफ़ी तरह के गुण हैं कैसे गुण हैं जैसे कि हमें नेचर से कनेक्ट मिले कनक से ह्यूमन बींग ही है जो जिसने कनक से आटा बनाया आटे से फिर रोटी बनाई रोटी से उसी आटे से बिस्किट भी बनाया मतलब उसी ह्यूमन बींग ही है जो जो नेचर से हमें जो चीज़ें मिल रही है उनको उनको कई तरह की चीज़ों में आगे अनु कई तरह की चीज़ें बना देता है तो ह्यूमन बींग भी एक रिसोर्स है इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन बींग धरती पर इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल दैट अदर रिसोर्स कैन बी डिप इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्यों कहा गया कि ह्यूमन बींग्स के पास स्किल है स्किल होने के बाद ह्यूमन बींग इन रिसोर्स को आगे डिवल्प करता है मतलब इन रिसोर्स को आगे यूजेबल बना देता है ह्यूमन नीड्स एंड वॉन्ट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नो स्टैटिक ओवर द ईयर्स जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स है ज़रूरत है वो ना तो कभी यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी है संसार के अलग अलग हिस्सों के संसार के सभी पार्ट में ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स एंड वॉन्ट्स हैं कभी भी यूनिफॉर्म नहीं है एक जैसी नहीं है स्टैटिक और स्थिर नहीं है मतलब कि ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं और वोट्स हैं समय समय पर बदलती रहती है दे जर्नली ग्रो एंड बिकम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन सोसाइटी इन एंश टाइम एम्फास वॉज मेनली गिवन ऑन सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स सच एज फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर विच वॉज ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट एंशियट टाइम में क्या होता था पुराने समय में क्या होता था लोग सिर्फ बेसिक जो चीज़ें होती थी उनकी जरूरत की बेसिक नीड की चीज़ें होती थी उन्हीं पर ही एम्फोसिस करते थे जैसे उन्हें खाने के लिए भोजन चाहिए था या फिर पहनने के लिए कपड़े चाहिए रहने के लिए जगह चाहिए उनकी मेन जरूरत जो ह्यूमन बींग्स की एंशियट टाइम में सिर्फ यही थी बस वह लोग यही जरूरतों को पूरा इवन टूडे द पिगमीस ऑफ अफ्रीका एडिबल प्लांट्स रूट्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड हंट एनिमल्स यहाँ तक आज भी जो पिगमीज़ है अफ्रीका में जो रहते हैं छोटे पिगमीज मतलब छोटे हाइट के जो पीपल रहते हैं उनको उनको पिगमीज़ बोलते हैं जो अफ्रीका में रहते हैं वो आज भी क्या है उनकी क्या जरूरत है सिर्फ प्लांट्स खाने के लिए प्लांट्स चाहिए रूट्स चाहिए फ्लावर्स चाहिए फ्रूट्स मतलब और हंट एनिमल्स उनकी आज उन लोगों की आज भी यही जरूरत है लेकिन इन एडवांस सोसाइटी ग्रेटर एम्फेसिस इज लेड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिसफाइंग द मल्टी नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लेकिन जो एडवांस सोसाइटी है जो आज की सोसाइटी एडवांस हो चुकी है उनकी नीड्स और वॉन्ट्स थोड़ी बढ़ चुकी हैं तो वो वो क्या multifarious needs है मल्टीफेरियस नीड्स हैं उनकी मतलब कई प्रकार की नीड्स हैं तो वो इन्हीं कई प्रकार की नीड्स पर ये जोर देते हैं कि उनकी ये सारी तरह की ज़रूरतें पूरी हो क्योंकि लोगों को आज सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं चाहिए आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारी एडवांस सोसाइटी है उनकी जो नीड्स हैं मल्ट मल्टीफेरिस्ट है, मल्टी है मतलब उन्हें बहुत प्रकार की चीज़ें चाहिए जैसे उन्हें देखने के लिए टीवी चाहिए रेफ्रिजरेटर चाहिए सोफ़ा चाहिए बेड चाहिए मतलब कि जरूरी नहीं कि उनको घर चाहिए घर में रहने के लिए सुख सुविधा की चीज़ें भी उन्हें चाहिए खाने में उन्हें भी अलग अलग तरह की चीज़ें उन्हें चाहिए यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस जो रिसोर्सिस की यूटिलिटी है उनका उपयोग है समय के अनुसार जगह के अनुसार स्थान के अनुसार बदलता ही रहता है अली ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लोरिश एलोंग द रिवर वैली एज ए यूज वाटर फॉर इरीगेटिंग फील्ड जो अली ह्यूमन सिविलाइजेशन से पुरानी सभ्यता हमारी थी नदियों के किनारे क्यों बसी थी सिर्फ उन्होंने उन्हें नदियों से पानी चाहिए था और उन्हें खेती करने के लिए पानी चाहिए था इरीगेटिंग फील्ड मतलब खेतों को सिंचाई करने के लिए पानी ही चाहिए था तो वो सिर्फ नदियों के किनारे बसती थी लेकिन नाव नाव क्या है ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी आज जो ह्यूमन बींग है उसे पानी Uh, सिर्फ फसलें उगाने के लिए नहीं चाहिए उसे पानी का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में करना होता है जैसे जनरेटिंग एनर्जी ऊर्जा को जनरेट करने के लिए इरिगेशन के लिए सिंचाई के लिए नेविगेशन नेविगेशन मतलब जहाज़ वगैरह नौका वगैरह चलाने के लिए एंड इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज के लिए भी पानी की जरूरत है एक्सेट्रा चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मीन्स यू एस ए चाइना एंड यू एस ए आर जनरेटिंग मोर वाइनर्जिंग दैन इंडिया ना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम ये का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं उपयोग कैसे करेंगे रिसोर्स बिकम यूजेबल वेन दे आर प्रोसेस्ड मतलब रिसोर्स जो होती हैं अब जो हमें प्रकृति से अगर न, कुछ भी चीज़ मिली है तो उसको यूजेबल कैसे बनाएंगे यूजेबल बनाने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा कुछ क्रिया करनी पड़ती है जैसा ताकि उसका रूप परिवर्तित हो जाए जैसे हमें अगर नेचर से कनक मिली है तो कनक को हमने रोटी कैसे बनाना है या फिर कनक का आटा बनाया फिर रोटी बनाना है कनक की कई चीज़ें कैसे बनानी है अगर हमें नेचर से कुछ भी मतलब रॉ मटेरियल मिला है तो उसे हमें यूजेबल कैसे बनाना है फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू टू यान जो कॉटन हमें नेचर से कॉटन मिली है पहले उसका हम यान बनाते हैं मतलब धागा बनाते हैं ऑन फर्दर प्रोसेस फिर आगे क्रिया करके इट इज़ कन्वर्टेड इंटू फैब्रिक जब पहले कॉटन था फिर उससे हमें यान बनाया देन फैब्रिक में चेंज किया फैब्रिक मीन्स कपड़े में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया देन फाइनली इंटू गारमेंट फिर उस कपड़े से हमने उसको काट उस कपड़े को काट के सील के हमने गारमेंट्स मतलब पहनने योग्य हमारे लिए बना लिए जैसे कि हमने उस कपड़े का सलवार सूट बना लिया या फिर टी शर्ट ट्राउजर एक्सेट्रा कुछ भी बना ली दर्ज एट वेरियस स्टेजेस वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल बाय अपलाइंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी इस तरह से हमें पता लगता है कि अलग अलग स्टेज पर सिर्फ हमें स्किल और टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम स्किल और टेक्नोलॉजी को एडिशन ऐड add करते हैं तभी हम रिसोर्स को यूजेबल बना सकते हैं जनरली द यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर मतलब आम तौर तो पर हम देखते हैं कि यूटिलाइजेशन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं वी विल रीड अबाउट दी नाउ नाउ लिसन केयरफुली दिज कैन बी कट कम इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आल्सो सो रीड केयरफुली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सिस मतलब रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास रिसोर्स कौन कौन से मौजूद हैं स्किल ऑफ ह्यूमन बींगस ह्यूमन बींग्स की स्किल्स की जरूरत है मतलब ह्यूमन बींग्स के गुणों की हमें जरूरत है मतलब क्या क्या स्किल्स ह्यूमन बींग्स के अंदर है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हमारे पास कैपिटल मतलब पूंजी धन कितना है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमारे पास वाटर की मौजूदगी कैसी है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हमारी कैसी है मतलब हमारे पास टूल्स और मशीनें भी अच्छी होनी चाहिए यूटिलाइजेशन रिसोर्स की यूटिलाइजेशन करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा तो हमें रिसोसेज़ के यूटिलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए कम्युनिकेशन भी चाहिए मतलब कि जब भी हम रिसोर्स को यूटिलाइज़ करते हैं तो हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है अगर ये हमारे पास हैं दीस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी देन वी कैन डिवल्व इन द इनिशियल स्टेज इकॉनॉमिक डिवलपमेंट एबिल एवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनिशियल स्टेज जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में बिल्कुल शुरुआत में क्या है हमें क्या चाहिए इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत की स्टेज पर शुरुआत की स्थिति में हमें चाहिए एबिलिटी ऑफ रिसोर्स हमें रिसोर्स चाहिए ये क्या है? जो रिसोर्सेज होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट है इकनॉमिक uh, किसी भी एक काम को शुरू करने के लिए रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एबिलिटी ऑफ कैपिटल स्किल लेबर बिकम नेसेसरी मतलब ये चीज़ें भी हमारे लिए स्किल लेबर एबिलिटी ऑफ कैपिटल दीज थिंग्स आर आल्सो नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल यू एस ए इज़ टर्म एज डिवेल्प कंट्री यू एस ए जो अब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जो डिवेल्प कंट्री है क्यों है डिवेल्पिंग बिकॉज इज इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशेंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्योंकि जो इसकी इकोनॉमिकली है इसके पास पैसा बहुत है और अशस्त्र स्थिति इसकी बहुत अच्छी है तो सेल्फ सफिशेंट है उस चीज़ में इसके पास टेक्नोलॉजी एडवांस है मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं तो ये जो यू एस ए डिवेल्प कंट्री है आज ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्टिल इन डिवल्पिंग स्टेट लेकिन इंडिया अभी भी डिवेल्पिंग स्टेट में है क्यों है क्योंकि हमारी इंडिया के पास सेल्फ सफिशेंट इकोनमी नहीं है एंड टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है सो दिस क्वेश्चन कैन कम इन डिफरेंस बिटवीन डिवल्प कंट्री एंड डिवेल्पिंग स्टेट सो अंडरस्टूड केयरफुली द रिसोर्स आर असेंशियल फॉर डिवल्पमेंट इससे पता लगता है रिसोर्स जो है डिवेलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं बट their मेयर प्रेजेंस डज नॉट गारंटी development. लेकिन सिर्फ रिसोर्स का होना ही ये गारंटी देता कि है, कि है कि डिवेलपमेंट होगी विकास होगी कि हम कह देते हैं कि हमारे पास सोर्स तो है हमारे पास पानी भी है हवा भी है मतलब मकान भी है तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इनके लिए हमें स्किल और टेक्नोलॉजी भी चाहिए स्किल और टेक्नोलॉजी होगी तभी हम गारंटी दे सकते हैं कि हमारी डिवेलपमेंट हो रही है अदर फैक्टर आर आल्सो प्ले क्रुशल रोल इससे हमें मतलब लगता है कि जो अदर फैक्टर है फैक्टर रिसोर्स ह्यूमन बींग्स कैपिटल वाटर टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर प्ले क्रूशियल रोल क्रूशल मतलब इम्पोर्टेंट मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है डिवेलपमेंट के लिए अगर रिसोर्सेस हैं तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हम डिवेल्प कर सकें ओके स्टूडेंट इट्स इनाफ फॉर टूडे आई होप यू हैवर है